आज का जो नाश्ता है ना, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। पोहा कटलेट कह सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, क्रिस्पी और क्रंची पोहा कटलेट तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट। इसे ना बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये पोहा, नॉर्मल पोहा, कोई भी पोहा आप यूज़ कर सकते हैं, चूड़ा जिसे कहते हैं, पतला या मोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्राम्स में अगर लेंगे तो 250 ग्राम्स है। और इसे ना अब हम 1 या 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक कि इसका डस्टी वाला पानी जो होता है ना वो ना हट जाए। तो 1-2 पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ये जो पानी है ना इसे हम स्टेन करके हटा देंगे। और इसे ना इस तरह से निचोड़ के कोई पानी हमें नहीं निकालना है, मॉइस्चर रहने देते हैं। और थोड़ा सा इसे इस तरह से स्ट्रेनर में छान के रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो हट जाए। थोड़ी देर, 5 से 7 मिनट बस इस तरह से हमें इसे रखना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो हट जाए बस। और इसे निचोड़ कर कोई पानी हम नहीं निकालेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह से ना ये बिखरा बिखरा थोड़ा सा खिला हुआ हो जाएगा हमारा पोहा। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स। अभी भी ना पोहे में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सॉरी सूजी है ये, नॉर्मल सूजी, कोई भी बारीक या मोटा वाला कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च है, ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसकी जगह आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून जितना ही कॉर्नफ्लावर, इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी हमने डाला है, इससे बहुत अच्छा हमारा क्रिस्पी बनेगा, और बाइंडिंग के लिए हमने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे मंगरेल 1 चम्मच, चाट मसाला स्वाद के अनुसार, नमक, यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। एक बार ना इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को पोहे के साथ, और हाथ से बाइंड करके देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बाइंड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है चूड़े में। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट और इसमें ऐड करेंगे, कोई भी बहुत ज़्यादा मसाला भी हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, फिर भी खाने में बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। और 1 टेबल स्पून जितना कस्तूरी मेथी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहे के साथ। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बिल्कुल 1/4 कप जितना पानी लिया है, जिससे मैंने नाप कर चूड़ा लिया था उसी से 1/4 कप पानी लिया है। और 1-1 चम्मच जितना ना पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, और बिल्कुल ना टाइट डो, जैसे हम पूरी का टाइट डो लगाते हैं ना वैसे ही डो, टाइट डो हमें लगा कर इसका बनाना है। तो ये हमारा डो बन के तैयार हो गया, बिल्कुल डो की शेप में आ गया है ये। तो ये हमारा जो पोहे का डो है ना वो रेडी हो चुका है। तो बस अब इस तरह से हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया था, उससे मैंने 2 टेबल स्पून ही बस पानी यूज़ किया था। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएंगे, उसको एक बार नेट कर लेंगे, और इस तरह का ना छोटा छोटा पेड़ा लेंगे, बोल्स जैसा बनाएंगे। और वड़ा का शेप मैंने यहाँ पे दिया है, आप चाहिए तो कोई भी फ्लैट कुछ भी शेप दे सकते हैं, ऐसे रोटी जैसा बेल कर भी कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे बॉल जैसा बनाकर इस तरह का वड़ा जैसा शेप दे दिया है, ये देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो दूसरा भी मैं इस तरह से बनाकर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा जो वड़ा हम बना रहे हैं ना कटलेट की जैसे पोहे को, थोड़ा सा इसको देखेंगे स्मूथ रहे इसका जो ऊपर का सरफेस है ना, बस इस तरह से हम बीच में पोक कर देंगे और वड़ा का शेप दे देंगे। तो बाकी सारा भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी स्नैक्स है, बहुत पसंद आएगा आप जिसको भी खिलाएंगे, और हेल्दी है तो बच्चों के वो भी आप दे सकते हैं। सारा मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा पोहा कटलेट, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और एक एक करके ना सारा कटलेट को इसमें डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए ना
कॉर्नफ्लावर या अरारोट की जगह आप यहाँ पे चावल का आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा क्रंच और क्रिस्पी बनेगा हमारा नाश्ता। और सूजी जो है ना वो बहुत अच्छा क्रंच लाता है नाश्ते में, तो बहुत ही हेल्दी है ये नाश्ता। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो इसे ना हम थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से ना बहुत अच्छे से पक भी जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर का इसका कलर भी आ जाए। दोनों तरफ से हम इसे पलटते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मसाला भी मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो सबको बहुत पसंद आएगा। और ये वाले वेदर में ना ये सारी चीज़ें खाने का तो आप ज़रूर ही ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी इसमें आ रहा है। बस इसको इस तरह से हम पलट देंगे 2-3 बार ना, तो पक भी जाएगा ये चारों तरफ से और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ देखना है ना कि पोहे को जब हम भिंगा कर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें से पानी हमें स्क्वीज़ करके नहीं निकालना है, और जब हम उसका डो बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना है। बिल्कुल चम्मच से हम पानी डालेंगे, 1-1 चम्मच। तो देखिए बहुत अच्छा कलर भी इसमें आ गया है, और बीच में ना मैंने इस तरह का कैविटी इसीलिए बनाया था ना ताकि ये बीच से भी अच्छे से पक जाए। तो ये हमारा पोहा स्नैक्स, पोहा कटलेट स्नैक्स भी कह सकते हैं, बन के बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें केचप के साथ, चाय के साथ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे किचन टॉवल या इस तरह से छह स्टेनर में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो हट जाए इसमें का। तो सारा हम इसी तरह से निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। प्लेटिंग कर लेते हैं अब इसकी, केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चना दाल की चटनी के साथ भी। मैंने बहुत सारी चटनी की भी रेसिपी शेयर की हुई है, कोई भी चटनी बनाए खाए गर्मा गर्म सर्व करे, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।